सो स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हीटिंग कर्व। सो देखिए, हीटिंग कर्व क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस को रेगुलर हीट सप्लाई की जाती है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर वर्सेस जो टाइम कर्व होता है उसको हीटिंग कर्व कहते हैं। तो देखिए, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट रेट पी वाट, ओके, देन कर्व बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज नोन एज, उसको क्या कह देते हैं हम? हीटिंग कर्व। सो देखिए, हीटिंग कर्व बनाते हैं हम यहाँ पे, टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व। सो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाएगा? सॉलिड को हीट किया जाएगा। तो सॉलिड को हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, कर्व बनाते हैं। ये देखिए, यहां से स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा हमें, क्योंकि एम एस डेल्टा टी होता है। सो टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब हीट दी जाएगी, तो उस कंडीशन में। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो देखिए, यहां हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर देंगे। सो यहां तक मान लेते हैं कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जहां सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद जब लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा? वापस से हीटिंग ऑफ लिक्विड करेंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर राइज होने लगेगा और हमें करो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो लिक्विड का टेम्परेचर राइज होने लगेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। और वहां क्या होगा? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो जो रिक्वायर्ड हीट होती है वो कौन सी होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो अब यहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे हम। सो यहां क्या हो रहा है? लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हीटिंग ऑफ गैस करते हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब यहां देखिए, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमने निकाल लिया। अब देखिए, यहां बात करते हैं, हमने यहाँ कुछ लाइन ड्रॉ की है, कुछ इंपॉर्टेंट नीट और जेई से रिलेटेड यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सो देखिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो रिक्वायर्ड हीट जो होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं यहाँ पे यूनिट मास के लिए, और यहाँ बात की जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की यूनिट मास के लिए। सो ये क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? ये चीज हो रही थी हीटिंग ऑफ सॉलिड, यहां तक ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हीटिंग ऑफ लिक्विड, और यहां पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद में हीटिंग ऑफ गैस। अब देखिए, टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व है, ये मान लेते हैं एंगल हमने ये मान लिया है अल्फा, ये वाला एंगल मान लिया है बीटा, ये वाला एंगल मान लिया है गामा। सो देखिए, इनका वो को नाम भी देते हैं हम, ओ ए बी सी डी एंड ए। सो देखिए, यहां पर इन रीजन, कौन से रीजन में बात कर रहे हैं? इन रीजन ओ ए बी सी एंड डी ई, ओ ए बी सी और डी ई, यहां क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इन रीजन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी यूज करेंगे। अब डेल्टा टू क्यू कितना होगा? देखो, पावर दी जा रही है पी वॉट, टी टाइम के लिए, तो डेल्टा क्यू पी इंटू टी,
इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो स्लोप क्या होगा, स्लोप स्लोप ऑफ कर्व डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी, हम ये ले सकते हैं। तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी हम ये लिखे तो ये कितना आ जाएगा, पी अपॉन एम एस। यानी जो स्लोप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, एस के। जो स्लोप है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, एस के। यहां से मिला अपनों को स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एस, यानी स्पेसिफिक हीट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आता है। आगे देखिए सेकंड, इन रीजन, कौन से रीजन में बात कर रहे हैं हम, रीजन जो ए बी और सी डी है, ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी रीजन के अंदर क्या हो रहा है। ए बी और सी डी रीजन के अंदर जो टेम्परेचर ऑफ कॉन्स्टेंट और लेटेंट हीट क्यू इक्वल्स टू एम एल होता है, तो पी टी इक्वल्स टू एम एल। सो इस कंडीशन में जो लेटेंट हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल हुई, टाइम के, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेटेंट हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। और यहाँ पर टाइम क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है और लेंथ ऑफ टेम्परेचर टाइम कर्व। सो इससे भी क्वेश्चन आता है नीट में, जेई में, और इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट जेई के अंदर।